हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फ्रेजेस बने हुए बैक से. तो ये है, ठीक है. तो लाइन से बैक, बैकअप, बैक अवे, बैक डाउन, बैक ऑफ, बैक इन, बैक इन टू और बैक आउट. ये आया था 2014 के पेपर जेएलओ में. 89 क्वेश्चन है कि एवरीवन डैश फ्रॉम साइनिंग द डील व्हेन दे हर्ड द टर्म्स एंड कंडीशंस. तो एवरीवन, अब ये ऑप्शन देखिए, बैक अवे, टर्न डाउन, कॉल्ड ऑफ और ब्रोक ऑफ. तो हमें बैक का मीनिंग समझना है कि बैक का मीनिंग क्या है. टू गो बैकवर्ड्स. इसका मतलब क्या होता है? बैकवर्ड जो लिटरल इसका मीनिंग है ना, बैकवर्ड्स, पीछे जाना. ठीक है, तो पीछे जाना. अब इसका लिटरल वर्ड का मीनिंग है टू गो बैकवर्ड्स. तो अब यहाँ पर और हमें यह ध्यान रखना है कि फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? वर्ब्स, वर्ब प्लस प्रपोजिशंस. ठीक है, और ये दोनों मिला के एक से ज्यादा मीनिंग्स बनाते हैं. ठीक है, तो मूल इसका मीनिंग ये है, पीछे जाना, टू गो बैकवर्ड्स. तो अब यहां पर एवरीवन डैश फ्रॉम साइनिंग द डील व्हेन दे हर्ड द टर्म्स एंड कंडीशंस. तो बैक अवे का क्या मतलब होता है? कि गेट अवे. उस चीज से दूर जाना. तो ये टर्न डाउन नहीं हो सकता, कॉल्ड ऑफ नहीं होता, ब्रोक ऑफ नहीं, मतलब वो पीछे हट गया उस चीज से, साइन उसका वो देख के, दे हर, जब उसको पता चला कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, तो वो बैग्ड अवे हो गया. ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा बैग्ड अवे फर्स्ट. ठीक है, अब हम एक बार इसको मिटाकर वापस डिटेल में समझते हैं इनको. ठीक है, यहाँ पर. अब बैकअप, बैकअप का क्या मीनिंग होगा? टू मेक कॉपी ऑफ योर थिंग्स, है ना. तो हम कहते हैं कि बैकअप कंप्यूटर का अच्छा है, या फिर हम बोले कि बैकअप जो है चाहिए चीजों का, कि बैकअप ऑफ थिंग्स और बैकअप ऑफ फाइल्स है क्या तुम्हारे पास, है ना, ऐसे तो हम बोलते हैं, है ना. तो ये है. ठीक है, तो इस पे आप अपन लिख लेते हैं कि क्या होगा, कि टू मेक कॉपी ऑफ योर थिंग्स, है ना, कि कॉपी है कि नहीं है. ठीक है, बैकअप है कि नहीं है, ये होता है. और एक और मीनिंग होता है इसका, री इन्फोर्स. ठीक है, री इन्फोर्स, स्पेलिंग है RENREINFORCE. तो इसका मतलब, अब जैसे इसका तो बता दिया सेंटेंस, अब इसका री इन्फोर्स का मतलब ये होता है, जैसे हम बोले द पुलिस ऑफिसर वॉज अलोन इन दी क्राइम सीन एंड ही कॉल्ड द पुलिस स्टेशन फॉर द बैकअप, ही फॉर द सपोर्ट, फॉर द सपोर्ट. ठीक है, सपोर्ट के लिए उसने कॉल किया ना. अब नेक्स्ट अपना है बैक अवे. ठीक है, बैक अवे तो हमने सिमिलर टू बैक अवे का यही है, पीछे हटना, टू गेट अवे. ठीक है, फिर थर्ड है डाउन. तो इसका अपन कर लेते हैं बैक अवे का टू गेट अवे, राइट, टू गेट अवे, है ना. और अब लास्ट में, हम लास्ट में इसके थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, तो बने रहना. फिर बैक डाउन का है ना, टू रिट्रीट, है ना, टू रिट्रीट, सिंपल एक बैक डाउन का, टू रिट्रीट, रिट्रीट. जैसे कि क्या होता है कि जब दो लोग हैं एंड दे आर फाइटिंग, और एक वीक है और एक स्ट्रांग है. ठीक है, तो हम वो कहेंगे कि उसको कहेंगे बैक डाउन, द पर्सन बैक डाउन बिकॉज ही न्यू दैट द अदर पर्सन वॉज मोर पावरफुल और हैड मोर स्ट्रेंथ देन हिम. तो इट टू रिट्रीट. ठीक है, पीछे हट गया वो. और फिर है ऑफ, बैक ऑफ. अब जब क्या होता है, बैक डाउन और बैक ऑफ काफी एक दूसरे के क्लोज हैं. ठीक है, तो बैक ऑफ का क्या मतलब होता है? कि जैसे कि आप, यू फील यू नो इनसिक्योर, और यू फील समवेयर यू नो द अदर पर्सन इज थ्रेटनिंग यू. कि वो उसका वो थ्रेटन कर रहा है, तो यू बैक ऑफ, या फिर यू आस्क द अदर पर्सन टू बैक ऑफ. ठीक है, कि जैसे कि ना, आई एम डन विद दीज थिंग्स, डोंट प्रेशराइज मी, जस्ट बैक ऑफ. ठीक
ठीक है, तो बैक ऑफ मतलब व्हेन यू फील थ्रेटन्ड, व्हेन यू फील कर देते हैं फील थ्रेटन्ड, ठीक है। अब है इन, बैक इन, बैक इन का क्या ज्यादातर यूज होता है जब पार्किंग एरिया कर रहे होते हैं, पार्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम पैरेलल लगा रहे हैं अपनी कार को, ठीक है, वॉल के या फिर आप किसी जगह के पैरेलल लगा रहे हो, तो हम बोलते हैं बैक इन। तो ये पार्किंग के लिए यूज होती है फ्रेज, ठीक है। बैक इन और बैक इनटू, इनटू भी कभी कभी हम पार्किंग के लिए यूज करते हैं, पर इनटू जो है वो जब आप आपकी कार या कुछ चीज भिड़ गई, ठीक है। सो माई कार बैक्ड इनटू द ट्रैश कैन, ठीक है, तो भिड़ जाना, ठीक है। एक्सीडेंटल क्या बोलेंगे इसको, बैक इनटू को ऐसे अपन सिंपल लिख देते हैं कि बैक्ड इनटू ट्रैश कैन, एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली कोलाइड, ठीक है, ये हो गया। और बैक आउट, बैक आउट में क्या होता है कि पीछे हट जाना, पीछे, अब सब में ही बैक है तो पीछे तो होना ही है, ठीक है। तो पीछे हट जाना किससे, कि फ्रॉम सम प्रॉमिस और एग्रीमेंट और है ना समथिंग, तो उसमें बैक आउट करना। तो ही प्रॉमिस्ड, इसे मैं एक सेंटेंस बना देती, यहां नहीं देती, ही प्रॉमिस्ड एंड देन बैक्ड आउट, ठीक है, कि उसे प्रॉमिस किया और फिर वो पीछे हट गया उस प्रॉमिस से, ठीक है। तो बैक आउट हो गया, तो इसमें हमें ध्यान रखना है एग्रीमेंट्स एंड प्रॉमिसेस के लिए आया है, एग्रीमेंट्स एंड प्रॉमिसेस, ठीक है। तो ये आप शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, और सेंटेंसेस एक एक खुद अपने मन से बनाना। फर्स्ट अपने थोड़े से मतलब जो समझ में आ गए हैं उनके सेंटेंसेस खुद बनाते जाना, ठीक है। और अब क्या करते हैं, हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस है, फर्स्ट सेंटेंस इज द फोटोग्राफर आस्क्ड एवरीवन टू बैक डैश बिकॉज ही कुडंट फिट देम ऑल इन द शॉट, कि उसने पीछे हटने को कहा, पीछे हटने को कहा क्योंकि सब एक साथ शॉट में नहीं आ रहे थे फोटोग्राफर ने, है ना। तो यहाँ पे आएगा बैक अप। अब सेकेंड है, द इन्वेस्टर्स डिसाइडेड टू बैक डैश ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट द लास्ट मोमेंट, कि इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया कि वो जो कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा रहे थे वो अब नहीं लगाएंगे, पीछे हट गए उससे एट द लास्ट मोमेंट, बैक आउट, ठीक है। जॉन इज अ ट्रू कॉम्पिटिटर, ही नेवर बैक्स डैश फ्रॉम अ चैलेंज एवर व्हेन, इवन व्हेन इट इज ऑब्वियस ही कांट विन, तो वो कभी पीछे नहीं हटता है फ्रॉम अ चैलेंज। तो यहाँ आएगा बैक्स डाउन, ही नेवर बैक्स डाउन। अब फोर्थ है, अ गुड पार्टनर विल ऑलवेज बैक यू डैश इन अ गुड एंड हार्ड टाइम्स, तो सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने के लिए हम बैक अप लगाते हैं, ठीक है। अब लास्ट फिफ्थ जो है, द ऑफिसर एडवाइज द कैमरामैन टू बैक डैश फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग, तो ऑफिसर ने कैमरामैन जो वहां पे थे उनको पीछे हटने के लिए कहा फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग, फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। तो अब इसमें क्या आएगा, बैक अवे, है ना, बैक अवे। अब लास्ट, इट इज गुड आइडिया टू हैव समवन गाइड यू एज यू ट्राई टू बैक योर कार डैश अ टाइट स्पेस, तो कार टाइट स्पेस के लिए हमने क्या किया था, बैक इन, ठीक है। तो थोड़े से सेंटेंसेस और करते हैं। अब ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, आई हेट टू लूज माई कंप्यूटर फाइल सो आई ऑलवेज बैक देम अप, ठीक है। फिर सेकेंड, द सेलिब्रिटीज बैक डैश वेन दे वर आज टू गिव कमेंट्स ऑन अ स्कैंडल, स्कैंडल के ऊपर जब उनसे कमेंट्स मांगे तो वो उस चीज से पीछे हट गए, तो बैक अवे। फिर पॉल वॉर्न्ड हिज बॉस टू बैक डैश और ही वुड सिंपली क्विट, तो बैक ऑफ। पॉल वॉर्न्ड हिज बॉस टू बैक ऑफ, मतलब ही वॉज फीलिंग थ्रेटन्ड, पॉल वॉज फीलिंग थ्रेटन्ड बाय हिज बॉस, तो ही सेड बैक ऑफ। फिर माई कार एक्सीडेंटली बैक्ड डैश द वॉल, बैग्ड इन टू, भिड़ गई इन टू द वॉल। सो ये है प्रैक्टिस
प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस करना इस पर, उसको वापस देखना और कीप मेकिंग सेंटेंसेस. और फॉर क्यूरीज ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.